सेल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट है। चलो एक सेल ले लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच का ये एक प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। कहता है सेल इसकी ईएमएफ ई है मान लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब सेल चार्ज होता है, जब सेल ये यहाँ से करंट दे रहा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस दी, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल फॉर ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट्स व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन मतलब सर्किट अगर ओपन है, मतलब फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में सेल यूज नहीं हो रहा है, ओपन है, ओपन सर्किट है, समझ रहे हो, ओपन सर्किट है मतलब सेल यूज नहीं होता है। तो सेल यूज नहीं होता है तो सेल का ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सब इक्वल होते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2.2 वोल्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सबको याद याद आ गया होगा, एक कॉन्सेप्ट इसको हमें याद रखना है कि जब सेल यूज नहीं होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो ये से अब कहता है कि अब जब हम 1.8 कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस 5 ओम, अब इसी सेल को मैंने प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैलकुलेट कर दिया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जिसकी वैल्यू 5 ओम है प्यारे बच्चों, और ये प्लस माइनस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब जो ये वी आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, उसकी वैल्यू 1.8 वोल्ट आ जाएगी, ऐसा दिया हुआ है। 1.8 वोल्ट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली सेल यूज हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, तो ये कम हो जाता है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, इसमें करंट कुछ आई जा रही होगी, बराबर है। तो कह रहा है आर की कैलकुलेशन करो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की कैलकुलेशन करो। दो केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड को, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। पहले केस में देखो, इसमें अगर सेल चार्जिंग, जब सेल चार्जिंग होता है, मतलब चार्जिंग होता है, तो उसका इक्वेशन अलग होता है, और डिसचार्जिंग का इक्वेशन अलग होता है, तो डिसचार्जिंग का इक्वेशन अलग होता है। तो अभी क्या हो रहा है बोलो, इसमें से भाई सेल करंट दे रहा है तो डिसचार्जिंग लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। तो डिसचार्जिंग जब होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ई में एक रिलेशन होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ माइनस आईआर, ये होता है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, और सेल अगर चार्ज हो रहा हो तो वी इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आईआर होता है, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आई जीरो है, तो देखो ये वाला मिल रहा है। तो अभी मुझे ये वाला इक्वेशन यूज करना है, दैट इज दिस इक्वेशन, हमें जो यूज करना है प्यारे बच्चों, ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी हमें, दिस वन। तो इसके लिए मुझे इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। करंट इज इक्वल टू होता है नेट ईएमएफ ओवर नेट रेजिस्टेंस, ये तो नेट ईएमएफ बैटरी का ईएमएफ ई है, और नेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, तो ये यहाँ से मुझे इस सर्किट का करंट मिल जाएगा। और ये अगर इसमें रख दूंगा, ये ले जाके इसमें रख दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस ईएमएफ स्मॉल आर और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये वाली चीज। तो यहाँ से मुझे भी और ईएमएफ ई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ईएमएफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस आर, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर ने स्मॉल आर को खत्म कर दिया, तो ईएमएफ कैपिटल आर अपन और कैपिटल आर, यहाँ से ये कैपिटल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट इज द वोल्ट भी ये। तो अब यहाँ से स्मॉल आर सारे डेटा दिया हुआ है, और आप इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ से जब ये वाली जो इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ, ये दिस इक्वेशन, ये कब लगा?